दोस्तों, क्या आप महाराष्ट्र के बीड जिले में बंदरों और कुत्तों के बीच हुए घमासान युद्ध के बारे में जानते हैं? यहाँ बंदरों ने करीब 250 कुत्तों के बच्चों को मार दिया था। बंदरों और कुत्तों की यह लड़ाई कुत्तों की एक गलती की वजह से शुरू होती है, जिसमें ये कुत्ते ग्रुप बनाकर बंदर के एक बच्चे पर हमला बोल देते हैं और उसे जिंदा ही नोचने लगते हैं। कुत्तों का ये शिकारी रूप देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ते नहीं जैसे कोई भेड़िया हो। बेचारा बंदर का बच्चा अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाता है और ये कुत्ते उसे बड़ी आसानी से नोच नोच कर खा जाते हैं। बच्चे की दर्दनाक मौत के बारे में जब बंदर को पता चलता है तो वह गुस्से में आकर कुत्तों से लड़ने पहुंच जाता है। आखिर में इस बंदर को उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता मिल जाता है, जिस पर यह बंदर हमला बोल देता है। बंदर का साथ देने और बंदर भी आ जाते हैं, लेकिन यह शिकारी कुत्ता चालाकी दिखाते हुए यहाँ से भाग जाता है। नहीं तो बंदर उसे मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन ये शिकारी कुत्ते कहाँ सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनके मुंह बंदर का खून लग चुका है। इसलिए ये फिर दूसरे बंदर के बच्चे पर हमला कर उसे जिंदा ही नोचने लगते हैं। बंदर का बच्चा अपने बचाव के लिए कुछ करने की कोशिश कर पाता, उसे पहले ही ये कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। ऊपर बैठे कुछ बंदर इस घटना को देख लेते हैं, लेकिन इतने सारे शिकारी कुत्तों के सामने ये बंदर कुछ नहीं कर पाते हैं। वह बस अपने बच्चे की मौत का मंजर देखते रह जाते हैं। अपने बच्चे की इतनी दर्दनाक मौत देखकर बंदरों का खून खोलने लगता है। अब यह बंदर भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। बंदर भी अब कुत्तों से बदला लेने के लिए कुत्तों के पिल्लों को उठाने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए सारे बंदर एक हो जाते हैं। अब बंदरों को जहाँ भी कुत्तों का छोटा पिल्ला दिखाई देता है, यह उस पर हमला कर उसे पेड़ पर ले जाकर नीचे गिरा देते हैं। यहाँ यह कुत्ते का पिल्ला अकेला मकान के बाहर खड़ा होता है, जिस पर इस बंदर की नज़र पड़ जाती है। बंदर बड़ी सावधानी के साथ कुत्ते के पिल्ले के पास जाकर उसे पकड़कर पेड़ पर ले जाता है और उसे वहाँ से मारकर नीचे गिरा देता है। ठीक इसी तरह धीरे धीरे कुत्तों के सारे पिल्ले गायब होने लगते हैं। बंदर कुछ दिन में करीब 250 कुत्तों के पिल्लों को मौत के घाट उतार देते हैं। यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन यह लड़ाई यहीं नहीं रुकने वाली है। अब यहाँ यह बंदर जब कुत्ते के पिल्ले पर हमला कर रहा था, तभी पास में बैठे कुत्तों को पता चल जाता है और वह बंदर को दबोच लेते हैं। कुत्ते अपना सारा गुस्सा इस बंदर पर निकालते हैं और उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। अब बंदर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह अब कुत्तों के छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े कुत्तों पर भी हमला करने की सोच लेते हैं। इसके लिए वह अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए बाहर के बंदरों को भी बुलाते हैं। बाहर के बंदरों की टोली गांव की ओर बढ़ने लगती है। इन बंदरों से गांव वाले भी डरने लगते हैं। अब कुत्तों और बंदरों का मुकाबला होने लगता है। बंदरों को जहां कुत्ता दिखाई दिया, ये उस पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं। लेकिन ये कुत्ते भी बड़े शिकारी होते हैं, ये भी हार मानने के मोड में नहीं होते हैं। ये भी जहाँ बंदर अकेला दिखाई दिया, यह उस पर हमला कर उसे दबोच लेते हैं। यहाँ बंदरों और कुत्तों की भयंकर दुश्मनी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जब इनमें से किसी को मौका मिलता है, ये एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बंदरों और कुत्तों की लड़ाई में गांव वालों का नुकसान होने लगता है। इन्हें अब घर से बाहर निकलने में ही डर लगता है। आखिर में गांव वाले अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास जाते हैं और उनकी समस्या का निवारण करने के लिए वन विभाग की एक टीम भेजी जाती है, जो बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने लगती है, जिसके बाद गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।